आज श्री कृष्ण का जन्मोत्सव है। आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए आज आपको बताते हैं कि कृष्ण पूजा के लिए आज दिन भर में कौन से मुहूर्त शुभ रहेंगे। अगर थोड़ा पीछे चले तो ये माना जाता है कि रात के 8वें मुहूर्त में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, इसलिए आज रात 12:05 के बाद 12:45 तक मथुरा वृंदावन द्वारका नाथ द्वारा और इस्कॉन मंदिरों में श्री कृष्ण जन्म पर मनाया जाएगा। लोग अपने घरों में भी इस समय कृष्ण जन्मोत्सव मनाएंगे। आधी रात के मुहूर्त के साथ ही पूजा के लिए दिन भर में कुल 5 मुहूर्त रहेंगे। सुबह 6 से 10:30 तक, दोपहर 12:30 से 2 बजे तक और शाम 5:30 से 7 बजे तक। अमृत काल रात 11:25 से 1 बजे तक, निशिता काल रात 12:05 से 12:45 तक। ऐसा पिछले 4 सालों में नहीं हुआ, इसलिए ये जन्माष्टमी पर्व बहुत ही खास है। आइए अब आपको बताते हैं कि श्री कृष्ण का अभिषेक कैसे करें। सूर्य पूजा के बाद घर के मंदिर में सबसे पहले प्रथम पूजा भगवान श्री गणेश की विधिवत पूजा करें। उसके बाद गणेश प्रतिमा पर जल चढ़ाएं, वस्त्र चंदन रूवा हार फूल अर्पित करें, भोग लगाएं। श्री गणेश पूजन के बाद भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करने की तैयारी करनी चाहिए। उसके लिए आप श्री कृष्ण पूजा में सबसे पहले आचमन करें, यानी कि पूजा से पहले खुद हाथ साफ करें और इसके बाद श्री कृष्ण के हाथों के लिए जल अर्पित करें। बाल गोपाल को सुगंधित फूलों वाले जल से स्नान करवाना चाहिए। इसके बाद केसर मिश्रित दूध से भगवान का अभिषेक करें। दूध को दक्षिणावर्ती शंख में भरें और भगवान को अर्पित करें। बाल गोपाल को पीले चमकीले वस्त्र पहनाएं, फूलों से श्रृंगार करें, सिर मोर पंख के साथ मुकुट पहनाएं। बाल गोपाल के अभिषेक में गोमाता की मूर्ति भी रखें, गोमाता का अभिषेक भी करें। बाल गोपाल को सुंदर पीले और चमकीले आसन पर विराजित करना चाहिए। दूध दही घी शहद और मिश्री मिलाकर पंचामृत बनाएं और चांदी के बर्तन में भरें, तुलसी के साथ भोग लगाएं। अभिषेक करते समय श्री कृष्ण के मंत्र का जाप करना चाहिए। पूजन में श्री कृष्ण को ध्रुवा कुमकुम चंदन चावल अबीर सुगंधित फूल अर्पित करने चाहिए। ध्यान रखें पूजा में गाय के दूध से बने घी दही मक्खन का उपयोग करना चाहिए। दीपक के लिए गाय के दूध से बने घी का उपयोग करना चाहिए। बाल गोपाल की पूजा में राधा जी के नाम का भी जाप करते रहना चाहिए। आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज श्री कृष्ण का जन्मोत्सव है। आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए आज आपको बताते हैं कि कृष्ण पूजा के लिए आज दिन भर में कौन से मुहूर्त शुभ रहेंगे। अगर थोड़ा पीछे चले तो ये माना जाता है कि रात के 8वें मुहूर्त में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, इसलिए आज रात 12:05 के बाद 12:45 तक मथुरा वृंदावन द्वारका नाथ द्वारा और इस्कॉन मंदिरों में श्री कृष्ण जन्म पर मनाया जाएगा। लोग अपने घरों में भी इस समय कृष्ण जन्मोत्सव मनाएंगे। आधी रात के मुहूर्त के साथ ही पूजा के लिए दिन भर में कुल 5 मुहूर्त रहेंगे। सुबह 6 से 10:30 तक, दोपहर 12:30 से 2 बजे तक और शाम 5:30 से 7 बजे तक। अमृत काल रात 11:25 से 1 बजे तक, निशिता काल रात 12:05 से 12:45 तक। ऐसा पिछले 4 सालों में नहीं हुआ, इसलिए ये जन्माष्टमी पर्व बहुत ही खास है। आइए अब आपको बताते हैं कि श्री कृष्ण का अभिषेक कैसे करें। सूर्य पूजा के बाद घर के मंदिर में सबसे पहले प्रथम पूजा भगवान श्री गणेश की विधिवत पूजा करें। उसके बाद गणेश प्रतिमा पर जल चढ़ाएं, वस्त्र चंदन रूवा हार फूल अर्पित करें, भोग लगाएं। श्री गणेश पूजन के बाद भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करने की तैयारी करनी चाहिए। उसके लिए आप श्री कृष्ण पूजा में सबसे पहले आचमन करें, यानी कि पूजा से पहले खुद हाथ साफ करें और इसके बाद श्री कृष्ण के हाथों के लिए जल अर्पित करें। बाल गोपाल को सुगंधित फूलों वाले जल से स्नान करवाना चाहिए। इसके बाद केसर मिश्रित दूध से भगवान का अभिषेक करें। दूध को दक्षिणावर्ती शंख में भरें और भगवान को अर्पित करें। बाल गोपाल को पीले चमकीले वस्त्र पहने
फूलों से श्रृंगार करें, सिर मोर पंख के साथ मुकुट पहनाएं। बाल गोपाल के अभिषेक में गोमाता की मूर्ति भी रखें, गोमाता का अभिषेक भी करें। बाल गोपाल को सुंदर पीले और चमकीले आसन पर विराजित करना चाहिए। दूध दही घी शहद और मिश्री मिलाकर पंचामृत बनाएं और चांदी के बर्तन में भरें, तुलसी के साथ भोग लगाएं। अभिषेक करते समय श्री कृष्ण के मंत्र का जाप करना चाहिए। पूजन में श्री कृष्ण को ध्रुवा कुमकुम चंदन चावल अबीर सुगंधित फूल अर्पित करने चाहिए। ध्यान रखें पूजा में गाय के दूध से बने घी दही मक्खन का उपयोग करना चाहिए। दीपक के लिए गाय के दूध से बने घी का उपयोग करना चाहिए। बाल गोपाल की पूजा में राधा जी के नाम का भी जाप करते रहना चाहिए। आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं।